अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा। मैं तहसीन। और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। फैज़ल अलमा हमारा फेवरेट फाइटर जेट और बहुत ही खूबसूरत, और अफीरा का भी बहुत फेवरेट है। yes. क्योंकि अफीरा कहती है बहुत ही खूबसूरत बनाया गया उसको, और इसको शाह की तशबीह दी गई है। तो उसको देखना ही अपने अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। बार बार हम देखते हैं, मैं दिल नहीं भरता हमारा। हमारे पास वीडियो आ चुकी है, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में बोला था कि जब उसका टेस्ट हुआ था टेक ऑफ का, तो उसके लैंडिंग गियर जो है वो बंद नहीं हुए थे। तो मुझे काफी लोगों ने कहा था कि लैंडिंग गियर इसलिए बंद नहीं हुए थे क्योंकि इसके टेस्ट हो रहे हैं और एहतियात के तौर पर खुले रखे ताकि जल्दी से लैंड कर सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हमारे पास जो वीडियो आई है उसमें लैंडिंग गियर बंद भी हो रहे हैं, तो बहुत ही मजा आएगा देख के, फौरन चलाते हैं। 18 Nisan 2023 Bayraktar Kızıl Elma bugün 5. uçuş testini gerçekleştirdi. Bugün sistem tanımlama testleri kapsamında iniş takımları kapalı ve açık bir şekilde test manevralarını başarıyla gerçekleştirdi. Yine Çorlu'daki meydanımıza gelip indi. Bunun yanında test sırasında piste yakın hızlı geçişlerimiz de oldu. Bütün bu manevraları Kızıl Elma başarıyla tamamladı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Hayırlı olsun. बहुत ही अच्छा लगा। हाँ। और जो लैंडिंग गियर्स जब बंद होते हैं जब खुलते हैं मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा जहाज इनके ऊपर लैंड करता है और इनके बंद होने का स्टाइल ही बड़ा खूबसूरत होता है कि ऑटोमेटिकली वो बंद हो रहे होते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। हमारे पास एक और वीडियो है जिसमें इसके मजीद टेस्ट दिखाए जा रहे हैं। ये फिफ्थ टेस्ट था, वो सिक्स और सेवन टेस्ट है। जो टचडाउन टेस्ट हमने पहले भी देखा था वो भी इसमें किया गया, लेकिन इसमें बताया दोबारा से किया गया, दोबारा से ट्राई की गई है। तो फौरन चलाते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या दिखाया गया। Gemilerin sen götürür ey canım ey, benim de şu cihana gelişim ey canım, rinnanay rinnanay, bir güzelden ötürür ey canım ey, de şu cihana gelişim ey canım, rinnay rinnay rinnay, bir güzelden ötürü ey canım ey. Hey, canım.
माशाल्लाह। लैंडिंग गियर भी अब बंद हो रहे हैं, अब प्रॉपर फाइटर जेट की शक्ल में आ चुका है, बिल्कुल टच डाउन करके भी वो प्रॉपर हो रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा टच डाउन में थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ था, लेकिन इस दफा वेरी स्मूथ है। बहुत लगने के बाद भी काफी देर तक अपना जो है इसकी नोज जो थी वो ऊपर ही रही, उसके बाद उसने आराम से दोबारा टेक ऑफ किया। वेरी स्मूथ और बहुत ही अच्छे टेस्ट हो रहे हैं जो कि सब कामयाब हो रहे हैं। क्यों भैया, अमेजिंग, सीरियसली ब्यूटीफुल। और उसके अलावा जो है एक ऐसी चीज़ बाहर निकल के आ रही है दुनिया के सामने जो कि सब कहते थे कि अब कैसे होगा, तो वो उसको पॉसिबल कर लिया गया है रेड एप्पल की जलमा। तो अमेजिंग, सीरियसली माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं जितना माशाल्लाह कहना चाहिए उतना कम है। अच्छा, मेरे जहन में एक और भी चीज़ आई थी कि रेड एप्पल है तो उसको इस फाइटर जेट को रेड क्यों नहीं बनाया गया। तो फिर मेरे जहन में खुद जवाब आया कि नहीं, रेड तो फौरन डिटेक्ट हो जाएगा आसमान के अंदर, तो इसको ऐसे कलर के अंदर रखें जिसमें कैमोफ्लेज हो जाए, आसमान में नजर ही ना आए। तो बाकी ये जरूरी था कलर, और उसमें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही इससे कहते हैं एलिगेंट एलिगेंट लुक आती है, बिल्कुल बहुत लुक आती है इसकी। वेरी नाइस, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये समझ लें कि आपको 2023 के रमजान के अंदर ये सारी खुशियां मिल रही हैं, और जो है ये सारे टेस्ट कामयाब हो रहे हैं, और रमजान भी खत्म हो रहा है तो बहुत ही खुशी हुई। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। इन्होंने लिंक शेयर किया, इन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इनको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज हमें भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर किया करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।